हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे, सब लोग स्वस्थ भी होंगे। मैं चाचा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? आजकल तो ना समर्स हो रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ट्रस्ट मी गाइस, ना शूट करते हुए ना पसीना पसीना हो जाता है। तो चलिए, कोई खैर कोई बात नहीं, हमें तो अपना वर्क करना ही होता है। तो आई होप कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे, बिकॉज के समर वेकेशन चल रही हैं एंड कोई कहीं घूमने गया हुआ है तो कोई कहीं घूमने के लिए गया हुआ है। तो ऐसे में हमें अगर चाहिए है ना, तो आज कुछ इसी तरह का ना हॉल आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल होने वाला है, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। एंड आप इनको ड्रेस समझ लीजिए या फिर कुर्ती समझ लीजिए या फिर कोट सेट समझ लीजिए, आप किसी भी तरह से कहीं पर भी आराम से इनको कैरी कर सकते हैं और आपको लगेगा ही नहीं इनको वियर करने के बाद में कि हाँ आपने कुछ वियर किया हुआ है। फैब्रिक बहुत अच्छा होने वाला है, टॉप नोच क्वालिटी के साथ में होने वाला है। सभी के सभी बहुत ही प्यारे पीसेज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सभी की जो रेंज है अंडर 500 आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। सभी के जो प्रोडक्ट के लिंक हैं आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन प्लीज़, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को आप लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं एंड प्लीज मुझे जरूर से बताइएगा कि इस हॉल में आप लोगों को कौन सा आउटफिट सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। प्लीज एक कमेंट और जरूर से छोड़ करके जाइएगा मेरे चैनल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हॉल वीडियो। बट हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ना चैनल को, उसके पास में एक छोटी सी ना बेल आइकॉन है, तो प्लीज उसको भी ना हिट कर दीजिएगा जोर से, ताकि जब भी मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप मेरा वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाए। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है, इससे पहले कि सभी प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो जाए, बिकॉज की बहुत जल्दी जल्दी ना प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं, तो प्लीज आप आराम से जाकर के जल्दी से जल्दी उनको ग्रैब कर लीजिएगा। और जो भी मैं लिंक शेयर करती हूँ, उसी उन्हीं लिंक के थ्रू ही आप जाकर के प्लीज बाय कीजिएगा। बिकॉज क्या होता है कि कुछ सेलर कुछ आपको सेंड कर देता है या कुछ और सेंड मिल जाता है, बिकॉज की स्कैम भी चलता रहता है। तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे लिंक के थ्रू ही जाकर के बाय कीजिएगा। एंड सभी के सभी डिटेल रिव्यू, ट्राई ऑन, इनके सभी के प्राइजेस, साइजेस, सभी के सभी इस हॉल में आपको मिलने वाला है। तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक फुल वॉच कर लीजिएगा। अगर इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, क्यों नहीं किया है भाई, जल्दी से जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिए। वहां पर भी आईडी मैं यहां पर लगा रही हूं, जी हां, एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हॉल वीडियो। मेरे हॉल वीडियो के अंदर ना आपको पता ही है, मैं आलिया कट कुर्ती तो होती ही है। आलिया कट कुर्तीज की तो मैं बहुत ज्यादा बड़ी वाली फैन हूँ, और एक आलिया कट कुर्ती मैंने इस हॉल के अंदर भी रखी है। एंड आई होप कि आप लोगों के साथ में भी ना किसी के पास में तो ज़रूर होगी, चाहे कुर्ती हो चाहे कुर्ता सेट हो, डेफिनेटली होगी। तो ये वाली कुर्ती ना आजकल बहुत ज़्यादा इन है। एंड जैसे ही आप मीशो को ओपन करोगे ना, उसका जो एफिलेटेड लिंक है ना, जो लिंक वाला पेज है उस पर जाओगे, या फिर मॉल वाले जो प्रोडक्ट हैं उस पर जाओगे ना, तो आपको ना मतलब रिटर्न, इजी रिटर्न में ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको बता रही हूँ, आप ना अच्छे से चेक करके ही, रिव्यूज़ चेक करके ही, अगर आप बाय भी करते हैं तो रिव्यूज़ को एक बार चेक कर लिया कीजिए, तभी आप प्रोडक्ट को बाय किया कीजिएगा। बिकॉज कि क्या होता है, स्कैम चल रहा होता है, कोई सेलर कुछ भेज देता है, कोई सेलर कुछ भी भेज देता है, तो ऐसा लगता है। और हमेशा ही ऑनलाइन आप पेमेंट किया कीजिए, बिकॉज कि उसमें क्या होता है कि उसमें ना आपको ना छूट मिल जाती है। छूट इन द सेंस कि आपको 100 रुपीज़ उसमें ऑफ हो जाता है, 150 रुपीज़ ऑफ हो जाता है, 20 रुपीज़ ऑफ हो जाता है, 50 रुपीज़ ऑफ हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने की आप शॉप कर रहे हो, चाहे आप गूगल पे करिए, पेटीएम करिए, उसमें काफ़ी सारे UPI के वगैरह सारी डिटेल लिखी हुई होती है। आप, मैं तो चाहूँगी कि आप ऑनलाइन ही आप पेमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज उसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। सभी ड्रेसेस में जो है मैंने बाय किया है एल साइज़, एंड सभी के जो भी साइजेस अवेलेबल हो गए स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। सभी के ट्राई ऑन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वॉच कर लीजिएगा मेरे इस हॉल वीडियो को। तो फर्स्टली मैंने कुछ इस तरह की ना वाइन शेड में, वाइन भी है, पर्पल सा भी है, कुछ इस तरह का ना ये शेड है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आलिया कट कुर्ती है, अंडर 500 है, एल साइज मैंने बाय कर लिया है। इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी ये कुर्ती, बिकॉज कि इसमें ना बहुत ही ना नीट एंड क्लीन ना सीक्वेंस का, सीक्वेंस तो नहीं है, फॉइल मिरर का एंड सिल्वर जरी का काम हो रखा है। कहीं कहीं छोटे छोटे से ना सीक्वेंस भी लगाए हुए हैं, वी नेक मिल जाता है, ये देखिएगा, ये सिल्वर जरी का काम है। एंड यही इसी पर ही ना इन्होंने ना छोटे छोटे से ना सीक्वेंस भी लगाए हुए हैं, झिलमिल करते हुए अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे तो मैं और भी अपने पास से आपको दिखा देती हूँ। ये छोटे छोटे ना यहाँ पे सीक्वेंस, ये ना यहाँ पे इन्होंने फॉल मिरर लगाए हुए हैं और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। यहाँ इस वाली एम्ब्रॉयडरी में ना आपको ना सीक्वेंस लगाए हुए दिखाई देंगे, ये झिलमिल करते हुए। चलिए, ये सिल्वर जरी का काम हो रखा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो ये नेक का पैटर्न है, ये तो ना मेरी जान ही लेने वाला है, बहुत ही खूबसूरत है।
बहुत नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाती है। ये देखिएगा फ्लोरल डिज़ाइन देखने के लिए इसके ऊपर आपको मिल जाने वाले, बहुत बड़ा 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 सा इसके ऊपर डिज़ाइन है। ये देखिएगा एंड 3/4 स्लीव्स के साथ में यहाँ आपको ना गोटा पट्टी मिल जाती है। बहुत ज़्यादा लंबी स्लीव्स नहीं होंगी, मतलब यहाँ तक तो होंगी, यहाँ तक होंगी, इससे ज़्यादा लंबी स्लीव्स नहीं है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है गैदरिंग, गैदरिंग के साथ में आपको मिल जाता है फ्लेयर, बहुत अच्छे वाला साइड स्लिट के साथ में ये आपको ना कुर्ती मिल रही है। ये देखिएगा वाइट एंड ये जो वाइन शेड है ना, इसके कॉन्ट्रास्ट में ये आपको कुर्ती मिलने वाली है। तो बैक लुक देख लेते हैं हम इस कुर्ती का कि कैसा रहने वाला है। बैक जो है आपको ऑल ओवर ऐसा ही मिलने वाला है, ये देखिएगा जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अभी एक्चुअली इवनिंग का टाइम है तो थोड़ा सा ना शेड्स का थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, बिकॉज की लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, कभी लाइट आ रही है कभी जा रही है। ये वाला ही शेड आपको ना देखने के लिए मिलेगा, ये वाला जो शेड है ना स्किन पर दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट शेड है। तो भाई आप इसको ना किसी भी बॉटम वेयर के साथ में कैरी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है डेफिनेटली कि आप किस तरह से इसको ना कैरी करते हो। बट ये कुर्ती ना मेरी साइड से तो हाईली 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 रिकमेंडेड है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड कुर्ता। कुर्ता मैं शेयर कर रही हूँ रेड कलर का आपके साथ में ना। इसको ये कुर्ता ऐसा है कि आप इसको ना किसी भी तरह से ना मिक्स एंड मैच करके जो स्किन पर कलर दिखाई दे रहा है वही मिलने वाला है। रियोन फैब्रिक में एल साइज बाय किया है, मिक्स एंड मैच करके ना आप इसको ना बहुत अच्छा सा ना पेयर बना सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है ये। एंड इसके ऊपर ना बहुत प्यारा सा बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क हो रखा है, जरी से गोल्डन जरी होती है जो दबी हुई होती है उससे काम हो रखा है। एंड सीक्वेंस लगे हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे से गोल्डन से, एंड उसके साथ साथ में फॉयल मिरर भी लगे हुए छोटे छोटे से, और उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी की हुई अंडर 500 में आपको। यार और क्या चाहिए, माय गुडनेस, रियोन फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट वाला फैब्रिक आपको मिल जाता है, स्ट्रेट फिट कुर्ता रहने वाला है। राउंड नेक के साथ में मिलना है आपको, एंड यहाँ पे छोटा सा कट लगाया हुआ है ताकि आप इसको अच्छे से वियर कर सकें। ये देखिएगा कितना खूबसूरत वर्क किया हुआ है नेक पे, देखिएगा यहाँ पे ना जो ये लगाए हुए कहीं कहीं पे ना ब्लू वाले थ्रेड से भी काम किया हुआ है और रेड थ्रेड से काम किया हुआ है, जरी का एंड सीक्वेंस का काम है सारा का सारा ना। तो जो ये नेक का पार्ट है ना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। आई मीन कि आप इसको ना बहुत अच्छे से ना पेयर बना सकते हो 3/4 स्लीव्स के साथ में ऑल ओवर कुर्ते के ऊपर आपके ना इस तरह का ना फैब्रिक, ये फैब्रिक में ही है ये डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि ना बांधनी में होता है ना कुछ उस तरह का है। स्ट्रेट फिट कुर्ता रहने वाला है कुछ इस तरह से। इसका जो डिज़ाइन है ना वो देखिए कितना खूबसूरत है, किस तरह से मतलब क्या बढ़िया वाला, मुझे तो डिज़ाइन बहुत परफेक्ट लगा है इसका। एंड नी लेंथ से नीचे जाने वाला कुर्ता है, साइड स्लिट के साथ में आपको मिल जाता है। एंड बैक लुक का अगर हम बात करते हैं कुर्ते का, बहुत ज़्यादा डीप वाला बैक में नेक नहीं है, ये बैक का लुक कुछ इस तरह से रहने वाला है। ये देखिएगा, ये देखिए ऑल ओवर आपको ना कुछ इस तरह से मिल जाने वाला है, ठीक है ना, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना शेड रेड, ये वाला आपको मिलने वाला है। तो ये वाली कुर्ती भी ना मेरी साइड से तो ना हाईली रिकमेंडेड है, बहुत प्यारी है। एंड एक सेकंड मैं अंदर देख लेती हूँ, देखिए आपको ना चुभेगा भी नहीं, जो एम्ब्रॉयडरी का काम है ना उस पर चुभेगा नहीं आपको बिल्कुल भी, बिकॉज समर्स में आपको लगता है कि चुभेगा, बिकॉज यहाँ नीचे ना इन्होंने फैब्रिक लगाया हुआ है। तो मैंने इससे पहले भी हॉल वीडियोस दिखाए हैं ना, उनमें भी इसी तरह की कुर्तीज़ है एम्ब्रॉयडरी वाली अंडर 500 में, तो आप ना जाकर के ज़रूर से वॉच कीजिएगा। बहुत अच्छा कलेक्शन मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ में, टॉप नॉच क्वालिटी के साथ में ये कुर्ती भी हाईली रिकमेंडेड है। तो भाई अगर आपको ना ये वाली कुर्ती अच्छी लग रही है ना, ये भी ना अनारकली गाउन कह लीजिए कुर्ती कह लीजिए, मुझे बहुत प्यारी लगी है, ये फ्लेयर में है एंड कलियों वाली कुर्ती है। इसका जो वीडियो है मैं लास्ट वीडियो शेयर कर चुकी हूँ अनारकली हॉल के साथ में, आप ज़रूर से जाकर के वॉच कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ना आई बटन पर भी उसको ऐड कर दूंगी, तो डेफिनेटली आप जाकर के बाय कर लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारा पीस है, इसको ना आप बिल्कुल भी ना मिस मत कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो सेट शेयर कर रही हूँ, ये 3-पीस कुर्ता सेट आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, कॉटन फैब्रिक के अंदर है, अंडर 500 ही है ये भी ना, और इसमें शेड्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं समर्स में, क्योंकि इस तरह के शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं डेली वेयर में, ऑफिस वेयर में, वर्क प्लेस पे, किसी भी तरह से आप इनको कैरी कर सकते हैं,
बहुत ही ना सटल सा येलो शेड है एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में है, फ्लोरल अगेन फ्लोरल डिज़ाइन के अंदर आपको मिल जाने वाला है। तो देखिएगा कुछ इस तरह की हमारी कुर्ती रहने वाली है इसके अंदर। यह एल साइज मैंने इसके अंदर बाय किया है। यहाँ पे ना इन्होंने ना ये लेस की डिटेलिंग की हुई है, हल्का वाला ना वी नेक में है, ये कुछ इस तरह से फ्लोरल डिज़ाइन के साथ में मिल जाता है। एंड इस कुर्ती के अंदर ना इन्होंने ना सिल्वर धागे से काम किया हुआ है, ऑल ओवर फैब्रिक के अंदर ना सिल्वर धागा है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें ना, डोंट नो बट ऑल ओवर फैब्रिक में ना आपको सिल्वर धागा मिल जाता है। स्लीव्स के ऊपर शायद आपको दिखाई दे जाए, मैं तो और पास से आपको दिखा रही हूँ। पूरे कुर्ते में, पूरे की ही कंप्लीट कुर्ते में आपको ना सिल्वर थ्रेड का काम मिलेगा, ये यहाँ पे ना लगाया हुआ है थ्रेड इसके अंदर। 3-4 स्लीव्स रहने वाली है एंड यहाँ पे भी ना आपको ये लेस की डिटेलिंग मिल जाती है, बहुत प्यारी सी लेस लगाई हुई है, क्रोशिया वाली जो लेस होती है ना वो वाली लेस है। तो स्ट्रेट फिट कुर्ती रहने वाली है कुछ इस तरह से, ये देखिएगा। और साइड स्लिट के साथ में आपको ना मिल रही है, नी लेंथ से नीचे जाने वाला ये कुर्ता रहने वाला है, नीचे भी ना आपको लेस की डिटेलिंग मिल जाती है इस तरह से। तो भाई बहुत प्यारा लगा ये वाला कुर्ता भी मुझे, काफ़ी अच्छा है। बैक का लुक जो है कुछ इस तरह का आने वाला है एंड ऑल ओवर आपको ना सेम यही मिलने वाला है इस तरह से। ओके, बैक में आपको ना नीचे कोई लेस की डिटेलिंग नहीं मिलती है, फ्रंट में ही आपको ना कुछ ये लेस की डिटेलिंग मिलेगी आपको। अगर ये वाला शेड नहीं अच्छा लगता है ना तो आप कोई दूसरा शेड भी आप इसमें बाय कर सकते हो, बट नो डाउट ये भी ना समर्स के अकॉर्डिंग बहुत प्यारा सेट है। ये भी ना अफगान सेट है ये, यस, जैसे अफगानी कुर्ता सेट होते हैं ना कुछ उस तरह से है। बॉटम वियर में ना ये आपको मिल जाता है और ये बेस्ट पार्ट ये है कि नहीं, ये रियॉन में नहीं है, ये कॉटन में है। ये देखिएगा ये आपको मिल जाती है, बोथ साइड आपको इलास्टिक मिल जाती है एंड ऊपर से ब्रॉड देखें कितना ज़्यादा ब्रॉड है, आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं। एंड नीचे की साइड में ये अफगानी पैंट जो होती है ना कुछ उस तरह की डिटेलिंग मिल जाती है एंड इसके ऊपर भी ना यहाँ क्रोशिया की इन्होंने ना डिटेलिंग की हुई है बहुत अच्छे से, बहुत फाइन क्वालिटी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है एंड बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत ही ना अच्छे से इन्होंने स्टिचिंग की हुई है, नीट एंड क्लीन वर्क है इसमें भी। तो चलिए देख लेते हैं इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी ना आपको प्योर कॉटन का मिल जाने वाला है, ये यही रहने वाला है। इसको दुपट्टा को तो आप किसी और के साथ में भी कैरी कर सकते हो, स्टोल काइंड ऑफ दुपट्टा है। तो इसमें ना सेम फैब्रिक के ना टेसल्स हैं एंड इसके अंदर ना सिल्वर धागे का काम हो रखा है, दुपट्टा के अंदर ना सिल्वर धागा है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो स्क्रीन पे। ऑल ओवर ये आपको ना 2.25 मीटर के आसपास का दुपट्टा मिल जाता है, बट ये है कि प्योर कॉटन का ये ना फैब्रिक है। तो बहुत प्यारा लगा ये वाला सेट भी, डेली वियर के लिए, ऑफिस वियर के लिए तो काफ़ी अच्छा सेट है ये भी ना। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अपना जो आपका जैसे मेरा साइज़ मीडियम है तो मैंने इसमें मीडियम साइज़ ना बाय करके ना मैंने इसमें एल साइज़ बाय किया है, तो आप भी एक साइज़ अप ही जाएगा बिकॉज की कॉटन फैब्रिक है तो श्रिंक होने का भी थोड़ा इसमें रहता ही रहता है। इसका लिंक में लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड शेड्स काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली ये भी ना रिकमेंडेड है मेरी साइड से। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ कर दीजिएगा लाइक मेरी वीडियो को, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ एक अनारकली पीस, जो कि आप आराम से किसी भी छोटे मोटे ओकेजन में कैरी कर सकते हैं एंड एज अ ड्रेस भी इसको कैरी कर सकते हैं। तो मैंने इसको ले लिया है ब्लैक शेड में बिकॉज कि इसमें ना मल्टी शेड्स यूज़ किए गए हैं। मैं कह चलो भाई इसको भी हम बाय करके देखते हैं, एल साइज बाय किया, रियॉन फैब्रिक के अंदर रहने वाला है एंड कुछ इस तरह से ना इसमें आपको ना राउंड नेक मिलेगा, राउंड नेक में भी ना आपको यहाँ पे छोटा सा वी कट मिल जाता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे इन्होंने ना लेस की डिटेलिंग की हुई है वाइट लेस की एंड यहाँ पे सिल्वर इन्होंने ना गोटा पट्टी की डिटेलिंग की हुई है। ये वाला जो डिज़ाइन है ना ये अलग है एंड ऑल ओवर अगर कुर्ते की बात करें तो ऑल ओवर फ्लोरल डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएगा फैब्रिक के अंदर। ये जो है नेक कुछ इस तरह का रहने वाला है, ठीक है ना, बहुत प्यारा है, बहुत ही सटल से शेड्स हैं इसके अंदर, मैरून है, ब्राउन है, वाइट है, तो नो डाउट बहुत प्यारा लगने वाला है। 3-4 स्लीव्स के साथ में ये देखें कितना प्यारा डिज़ाइन है, फ्लोरल डिज़ाइन जो है ना। एंड यहाँ पे भी जो नेक वाला जो फैब्रिक है ना वही लगाया हुआ है एंड यहाँ पे ना गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल जाती है आपको। एंड अगर यहाँ पे हम आते हैं नीचे की तरफ बिकॉज की एक अनारकली कुर्ती है एंड इसमें ना आपको ना
लेयर मिल जाएंगी अनारकली की। इस तरह से यहाँ पे भी इन्होंने ना ये गोटापट्टी की डिटेलिंग की हुई है। एंड अगर हम इसके फ्लेयर की बात करते हैं, इसमें कलियाँ डाली हुई हैं, इतनी सारी आपको ना कलियाँ मिल जाती है। यूज़ आपको ना इसके अंदर फ्लेयर देखने के लिए मिलेगा। मैं पीछे 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 जा रही हूँ और ये देखिएगा बहुत सारा इसके अंदर ना फ्लेयर मिल जाने वाला है। एंड नीचे की तरफ ना वही नेक वाला बॉर्डर इन्होंने लगाया हुआ है, ये देखिएगा। एंड नीचे भी ना आपको गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल जाती है ऑल ओवर आपको नीचे की साइज पे ना, जो जो आपका फ्लेयर है ये देखिएगा। तो भाई माइंड ब्लोइंग है ये वाला पीस भी ना। बेस्ट पार्ट ये है कि रियॉन फैब्रिक है ना, तो बहुत प्यारा सा शेड भी है एंड लाइट वेट आपको ना फील कराता है। ऑल ओवर बैक साइड में आपको यही वाला ना डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा। फ्लेयर की बात करें तो एज अ ड्रेस भी आप इसको कैरी कर सकते हैं एंड एज अ कुर्ती भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। मिक्स एंड मैच करके आप इसके साथ में बहुत अच्छा सा एक ना पेयर भी यूज़ कर सकते हैं, पेयर बना करके वियर कर सकते हैं। तो कहीं पर भी आप इसको वियर कर सकते हैं। मेरी साइड से तो ये वाला पीस भी ना हाईली रिकमेंडेड, बहुत प्यारा है। चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिकॉज की बहुत सारे हॉल वीडियोज अभी चैनल पर आने वाले हैं, तो एक कोड सेट आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज की इसमें ना मल्टी शेड्स यूज़ किए गए हैं और ये भी अंडर 500 के अराउंड में ही है। एंड इसमें साइज़ भी जो है मैंने एल ही बाय किया है, तो ये थोड़ा डिफरेंट था। पेपलम काइंड ऑफ आपको ना इसमें मिल जाती है, जो इसकी कुर्ती है राउंड नेक के साथ में मिलेगी। एंड यहाँ पे इन्होंने ना लेस की डिटेलिंग की हुई है, फ्लोरल डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखेगा कुछ इस तरह का डिज़ाइन है इसके अंदर। एंड यहाँ पे भी इन्होंने ना लेस की डिटेलिंग की हुई है, देखिए ग्रे स्काई ब्लू एंड ऑरेंज एंड येलो, कितने सारे डिफरेंट शेड्स हैं इसके अंदर ना। तो ये वाले शेड्स ना मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये 3-4 स्लीव्स के साथ में आपको मिल जाती हैं एंड पेपुलम काइंड ऑफ है, तो यहाँ पे ना आपको ना बड़ी सारी गैदरिंग मिल जाती है। ये देखेगा कुछ इस तरह के हैं ये शेड्स, आपको कितने अच्छे लगते हैं ना समर्स में, ये शेड बहुत प्यारे लगते हैं। इनको जो ना ऐसे हैं कि इनको तो आप डेली वियर में भी ना घर पे भी कैरी कर सकते हो, तो बहुत ना आराम से एंड कूल फील कराते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये। ये देखिए मैं और आपको ना यहाँ से दूर से भी दिखा रही हूँ एंड पास से भी दिखा रही हूँ। तो इसमें साइज़ भी मैंने एल ही बाय किया है, जो भी साइजेस और भी अवेलेबल होंगे तो मैं आपको ना स्क्रीन पर शेयर कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। बॉटम वियर में अगर हम बात कर लेते हैं, तो बॉटम वियर में है ना आपको बोथ साइड इलास्टिक मिल जाती है। बॉटम वियर ना थोड़ा टाइट सा लग रहा है मेरे को, अभी मैंने ना ट्राई ऑन नहीं किया बिकॉज ना लाइट चली गई थी, तो लाइट का ना समर्स में बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो मैंने कहा चलो भाई पहले ना वीडियो ही शूट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइट लग रहा है मुझे तो ना। तो ये देखिएगा, और वृत्त की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इतना अच्छा खासा आपको इसमें वृत्त मिल जाती है। एंड ये ना प्लाजो काइंड का जो होता है ना, काफ़ी अच्छी वृत्त के साथ में मिल रहा है, मतलब ना एक पेंट कट स्टाइल में नहीं है ये, प्लाजो काइंड ऑफ में आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा ना छोटा भी नहीं है, पेंट कट स्टाइल नहीं है। तो ये वाला सेट भी ना मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रीवियस हॉल में भी मैंने एक कोर सेट आप लोगों के साथ में शेयर किए थे, अगर वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप जा करके उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। बहुत ही ना मिनिमम प्राइस में बहुत अफोर्डेबल होल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। एंड मे बी कि अपकमिंग जो है मैं एक फेस्टिव ईयर आप लोगों के साथ में एक दो हॉल शेयर करूँगी, जिसमें बहुत हैवी दुपट्टा सेट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, पाकिस्तानी कुर्ता सेट्स एंड लहंगा एंड साड़ीज़ का हॉल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। अपकमिंग वीडियोस जो हैं उसी तरह के ही आएंगे अभी और। एंड इसके साथ साथ में ना अफोर्डेबल हॉल भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ, बिकॉज आप लोगों को क्या होता है कि कभी कहते हो कि नायरा कट अंडर 500 हमारे साथ में शेयर कर दीजिए, आलिया कट शेयर कर दीजिए। एंड तो मैं आप लोगों के ना जो कमेंट्स होते हैं ना उनको रीड करके उन्हीं के ही अकॉर्डिंग जो है हॉल वीडियोस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। एंड आई होप कि आपको ये हॉल वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड सभी प्रोडक्ट आप लोगों के ना इजीली आप इनको कैरी कर सकते हो, वर्क प्लेस पर कैरी कर सकते हो, डेली में कैरी कर सकते हो, कहीं घूमने जाना है
तो भी आप इनको आराम से कैरी कर सकते हो। अगर आपको किसी को गिफ्ट भी करना है तो भी आप आराम से इनको गिफ्ट भी कर सकते हो, बिकॉज कि सभी ना ट्रेंडिंग में है, सभी न्यू कलेक्शंस हैं। एंड वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे मोटिवेशन के लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी इस छोटी सी फैमिली को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं किसी और बढ़िया से धमाकेदार हॉर वीडियो के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली के साथ में रहिए, खुश रहिए। टेक केयर, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय। Bye.